और भाई बढ़िया, तू बता नाम क्या इसका? टाइगर। टाइगर नाम है गाइस जिसका, समझ रहे हो? और ब्रीड तो पता ही है, डोवर मैन अपने को तो देख के ही पता चल रहा है। तो फिर पार्क ले चले। कितना मिनट का लग रहा है? यो यार होगा यार 6-7 महीने का होगा, 6-7 महीने का है ना। अरे वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी आया था मैं पार्क, ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रीड दिख रही है पीछे मेरे, ये डोबरमैन ब्रीड है। तो इसके बारे में लेते हैं इससे रिव्यू, कैसा है, दोस्त का है ना ये, तो इसके बारे में रिव्यू लेंगे इससे और पता करते हैं। सुना है कि यार खूंखार कुत्ता है, देखेंगे ना अभी कैसा खूंखार है। चलो गाइस तो मिलवाता हूँ, आ जाओ डोबरमैन से मिलवाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये है अमेरिकन डोबरमैन। तो यार इसका ये क्या हो गया, ये भाई लग गई थी क्या? ये थोड़ा बंदर आ गया था, हाँ लड़ाई हो गई थी। अच्छा बंदर से लड़ाई होगी थी, तो बंदर के ना मार पाया हो? भाई उम्र वो बंदर थोड़ा ज्यादा बड़ा था, थोड़ा छोटा पड़ गया उसके सामने। अच्छा अच्छा सही कह रहा है। आ भाई तू मार कैसे ना पाया है? अच्छा सुन चल दौड़ के दिखा जा, अभी गाइस इसको दौड़वाते हैं। पत्थर लेगा एक, देखेंगे ना दौड़ेगा कि ना। तो गाइस अभी ना एक हाथ में एक छोटी सी हमने स्टिक ले रखी है, देखते हैं ये दौड़ता है कि नहीं, ठीक है। तो इसको भगाते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई भागो ए। भाई वो तो उल्टा उल्टा भग रहा है यार, यार इसके दोस्त नहीं आए ना गाइस, समझ रहे हो? मतलब अलग ब्रीड नहीं आई, इसका मन नहीं लग रहा अकेले। A few moments later आ चुका है फाइनली इसका दोस्त, तो आई चुका है। ये लैब्रा है, ठीक है, लोयन वाली पूछ है इसकी। तो गाइस ये डोबरमैन और ये देसी, ये देखो भाई तो फुल गुर्रा रहा भाई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देख लो गाइस, देसी बिल्कुल नहीं मान रहा है, पर डोबन बहन शांत है। तो तुझे क्या लगता है कोई जीतेगा अगर इनकी फाइट होती है तो? अच्छा भाई ये तो कह रहा है डोबन बहन जीत जाएगा। भाई सब यार अपने अपने कुत्ते की कहेंगे यार, दूसरों की तो कहेंगे नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देख गया 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 गाइस, देख लो देसी नहीं मान रहा गाइस। अरे इनका भरत मिलाप होएगा थोड़ी देर में। जैसा कि आपने देखा पिटबुल और देसी, यार देसी इतना अट्रैक्टिव हो चुका था, मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका था, और ऐसे लड़ रहे थे यार फुल मजे वजे में। बाकी देखिए आपने फाइट पार्क में आया था, तो मैंने देखा यार मेरे दोस्त ला रखा है, तो चलो यार इनकी फाइट ही दिखा दूं भाई। बाकी मजे आ गए यार फाइट में। भाई देख फाइट का ऐसा है कि लेकिन फाइट करानी नहीं है। हाँ फाइट नहीं करानी यार, पर यो मान भी तो ना रहा था, यो दे यो ना मान रहा था यार, यो मान ही ना रहा था गाइस, बिल्कुल भी नहीं मान रहा था डोबरमैन। पर यार देसी भी कम नहीं था, देसी ने भी फुल एग्रेशन दिखाया, पर मजे आए कुछ भी है। तो बाकी हाँ मेन इसकी बाइट नहीं आई, हाँ मेन इसकी बाइट नहीं आई कह रहा है। देखो ये देख बाइट दिखाओ, दांत ही नहीं है यार। अरे दिखा दे, ये देख दांत नहीं है, देख करके नहीं है ना। हाँ सही कह गाइस, इसलिए लड़ रहा था, दांत नहीं है इसके, वरना वो मोर बना दे अच्छो अच्छो का। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये डोबरमैन और गोल्डन। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I... अच्छा 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 घर पे पालने वाली है ऐसे, मतलब सबके साथ इसको बैठना पसंद है। सही है, मतलब फैमिली वाला फील है इसके साथ है। हाँ, तो खेलना पसंद है, मतलब हर किसी के साथ ये लड़ता नहीं है। अच्छा 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 लड़ाई वाली इसमें अग्रेशन नाम की चीज नहीं है। हाँ सही है यार, डोबरमैन में बहुत ज्यादा अग्रेशन है जैसा कि आप देख सकते हैं।
बट ये फैमिली डॉग है। डोमिनेंस बोलते थे, अगर ऐसे देखो होता है जो हाँ भाई कुत्ते को देख के सीधा काटने भाग रहा है वो ऐसे होता है, तो वो नहीं है ना इसमें। ये डॉग है ना जो गार्डिंग के लिए बनाया गया था, यूरोपियन आएगा ना वो और भी खतरनाक होगा इससे। अच्छा, इसका टेम्परामेंट इससे भी ज्यादा हाई रहता है। ये तो अमेरिकन है, इसका तो लो है फिर भी टेम्परामेंट। ये अमेरिकन डोबरमैन है भाई। तो गाइस अभी जा रहे घर, ठीक है। अभी आपने देखा ही जैसे इनकी फाइट वगैरह तो नहीं यार, मतलब खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ। तो एक गोल्डन रिट्रीवर आया था, लैब्रा आया था, फिर उससे कई सारी इसने बात बात करी होगी। और देसी से तो आपने देखा ही कैसे एग्रेसिव हो रहा था, एग्रेसिव वो भी बहुत ज्यादा था। बाकी टेम्परामेंट देखते इसका पूछते हैं, इसके ऑनर से पूछता है। हाँ भाई टेम्परामेंट कैसा है इसका? बट टेम्परामेंट बहुत बढ़िया ब्रीड है। अच्छा, टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो है ना अपने ओनर को कोई मतलब वो ना हो किसी और चीज से हम, तो इसलिए ये अग्रेशन दिखाती है। तो मेन बात समझ रहे हो तुम, ओनर का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी दूसरों की तो ये ऐसी तैसी कर देगा, बाकी ऐसा ही है। और एक दोस्त फैमिली में रखने के लिए सबसे बेस्ट ब्रीड है ना, फैमिली के लिए तो मेरे को भाई गोल्डन रिट्रीवर तगड़ी लगी भाई, गोल्ड। तो गाइस देख रहे हो आप, डोबरमैन थोड़ा अग्रेसिव है पर फैमिली के लिए, फैमिली प्रोटेक्शन के लिए बढ़िया है। मतलब थोड़ा प्रोटेक्ट करना हो बाहर के लोगों से जो होते नहीं है ऐसे ही। अभी अमेरिकन डोबरमैन आने वाले टाइम में आपको यूरोपियन डोबरमैन भी दिखाएंगे। टेस्ट करते हैं इसका मालिक, देखो वो पीछे चला गया हमारे, वो जा रहा और हम इसको लेके चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ चलता है कि नहीं, ठीक है अभी देखते हैं। हाँ भाई आजा, चल आजा 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 आजा। ये देख रहे हो हमारे साथ नहीं जा रहा, उसके साथ ही जाएगा क्योंकि वो वहां पर खड़ा है। ये देख लो ये बुला रहा है ना ये, चलो इसको छोड़ के देखते हैं कहाँ जाता है। आओ ये देख लो गया ना वहीं। अरे यार मालिक का फेवरेट है ना गाइस। गाइस अभी चलते हैं घर और फिर घर जाके मिलता हूँ आपसे, जब तक बने रहो व्लॉग। गाइस अभी ले जा रहे हैं इसको घर, तो देख सकते हैं आप यहाँ कुत्ते भी हैं, कुछ नहीं कह रहे, बातचीत है यार। मांजा मांजा ले, फिर कम है क्या अपने वाला? भी कम नहीं है, देख इसको आगे जा रहा तो वो पीछे चले जा रहा है। चल भाई चल चल आजा, अभी देखना देख रहे हो इसके जाते ही पीछे हो जावे वो। ये देख लो डर रहा है पर भोगना जरूरी है। गाइस जैसा कि आपने देखा है कि पार्क में कैसे खेल रहे थे, डोबरमैन खेल रहा था, ठीक है, लैब्रा भी आया था वहां पर, और फिर गोल्डन रिट्रीवर, मतलब ये सारे आपस में। और बाकी आपने देखा है कि वो जो मतलब कि डोबरमैन था वो मतलब देसी के साथ है, और देसी इतना खूंखार लग रहा था ना भाई सब खतरनाक, बट डोबरमैन यार अपने असली रूप में नहीं आया था ना, तो इस वजह से यार वो अभी मतलब बच्चा है, उसकी बाइट वगैरह भी नहीं आई जैसे उसके ओनर ने बताया था ही, आपने देखा व्लॉग में, तो उसकी बाइट वगैरह भी नहीं आई ना, तो इस वजह से वो अपना पूरा एग्रेसिव तो नहीं दिखा पा रहा। तो बाकी ऐसे ही था कि यार हाँ इनका ऐसे ही रहता है। बाकी डॉग्स वगैरह सारी ब्रीड अच्छी होती है, अगर उसको अच्छे से पालोगे तो सारी ब्रीड अच्छी होती है। और बाकी यार ओनर पे भी डिपेंड करता है कि ओनर किस तरह से बिहेव करता है उसके साथ, है ना। बाकी यार व्लॉग अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से करवाओ 200 सब्सक्राइबर, फिर मिलता हूँ, बाकी जल्दी हो जाएंगे, मिलते तो वही है अपना नॉर्मल। तो मिलता हूँ आपसे न्यू व्लॉग में। Thank you.